किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में। अक्सर नारियों को घुटने की पीड़ा का रोग लग जाता है। कई औरतों को तो बच्चा पैदा होते समय ही जैगी की हालत में हवा लगने से यह जोड़ों का पीड़ा शुरू हो जाता है, अथवा अन्य कई कारणों से भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। इस रोग से नर नारी दोनों ही पीड़ित होते हैं। कई लोग तो चलने फिरने से भी मजबूर हो जाते हैं। जो लोग हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, जिन्हें आतशक सुजाक लगा हो, जिनके दांत गंदे हों, जिनके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो गई हो, ऐसे ही लोग अधिकतर गठिया रोग का शिकार होते हैं। सर्वप्रथम गठिये के रोगी को कब्ज रोग से बचना चाहिए। यदि किसी रोगी को कब्ज रहता हो तो पहले उसकी कब्ज को ठीक करें, फिर गठिये का उपचार शुरू करें। गठिये के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों का सेवन लाभदायक होता है, जैसे अंकुरित भोजन। गठिया रोगी को भी एक मास तक अंकुरित भोजन खिलाने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। गठिये के रोगी दिन में 4 बार गाजर का रस पिलाने से शीघ्र ठीक होता है। टमाटर का सेवन करना भी काफ़ी लाभदायक होता है। प्याज का रस गठिये के लिए बहुत लाभदायक होता है। प्याज का रस दोनों समय नींबू के रस में मिलाकर थोड़ा नमक डालकर रोगी को पिलाने से बहुत लाभ होता है। लहसुन का रस निकालकर इसे आग पर पकाकर तेल बना लें। इस तेल की मालिश दिन रात उन जोड़ों पर करें। 1 महीने तक मालिश करते रहने से लाभ होता है। लहसुन की पोथियों को छीलकर आधा किलो दूध में 3-4 बार उबालकर 1 महीने तक दोनों समय पीते रहने से दर्द में लाभ होता है। नमक का सेवन गठिया रोगियों के लिए वर्जित होता है। जोड़ों के दर्द में अदरक का रस सुबह उठकर 4 चम्मच पीने से 1 महीने के पश्चात दूर हो जाता है। 10 से 15 ग्राम सोंठ 100 ग्राम पानी में उबालकर ठंडा होने पर इसे छानकर थोड़ी चीनी मिलाकर 1 महीने तक पीने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द में खीरे का अधिक से अधिक सेवन करें। खाना खाने के पश्चात 1 कप खीरे के रस का सेवन करने से लाभ होता है। दर्दों में आलू खाना उचित नहीं, परंतु जिस स्थान पर दर्द हो वहाँ पर आलू को पीसकर लगाने से 1 महीने के पश्चात दर्द दूर हो जाता है। अजवाइन का अर्क अथवा उसका तेल उन जोड़ों पर धूप में बैठकर मालिश करें जिनमें दर्द होता है। 1 महीने तक खूब मालिश करें, दर्द ठीक हो जाएगा। अश्वगंध को अच्छी तरह से कूट कर उसमें समान वजन का बूरा यानी देसी खांड मिलाकर 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ सुबह शाम खाने से 1 महीने के पश्चात आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।